शेख आसिफ साहब के लिए, तो मैंने नई नजम के कुछ शेर कहे हैं, बस जिस तरह से आप वाहिद अब्दुल वाहिद अंसारी को सुनते हैं बस उसी तरह से सुन के मुझे बता देना और मुझे मुझे एहसास दिलाना कि यहाँ कितने लोग बैठे हैं सुनने वाले। शुरू करें जी, शुरू करें जी। तालियां बजा के मुझे इजाजत दें। सच का नारा लगाने वाला है, झूठ का सर उड़ाने वाला है। सच का नारा लगाने वाला है, झूठ का सर उड़ाने वाला है। राष्ट्रवादी में आ गया आसिफ, राष्ट्रवादी में आ गया आसिफ, राष्ट्रवादी में आ गया आसिफ। फिर से तो आना आने वाला है, तूफान आने वाला है। रखवाली में आ गया, रखवाली में आ गया, फिर से तूफान आने वाला है, फिर से तूफान आने वाला है, फिर से तूफान आने वाला है। नस्ल नौ किताब इसका, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी पार्टी के और दूसरी तरफ के ज्यादा है ना, मेरे 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 लोग कम लग रहे हैं, इसलिए इतनी संजीव की है। नहीं नहीं, अगर आप आसिफ साहब से मोहब्बत करते हैं तो उसका इजहार करो, है ना, इजहार करो। उसे तो आने वाला है, कायदे नस्ल नौ खिताब इसका, कायदे नस्ल नौ खिताब इसका। हो न पाया कोई जवाब इसका, हो न पाया कोई जवाब इसका। फिर से एक बार नौजवानों ने, फिर से एक बार नौजवानों ने, फिर से एक बार नौजवानों ने कन्हैया दिल से से तूफान आने वाला है। बहुत दूर बैठे, दूर बैठे आसिफ साहब के हवाले से दूर बैठे बोलता है कि कोई आसिफ साहब के हवाले से बात करता है कि वो तो काला है, कोई बात करता है वो तो गोरा है, कोई बात करता है कि वो तो बारीक है, कोई बात करता है कि वो बहुत हल्का है, कोई बात करता है कि बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, कोई बात करता है कि बहुत छोटा है ना। दूर बैठ के बात नहीं की जाती। शायर ने शेर कहा था कि इशारे और ही कुछ कर रहा था डूबने वाला, इशारे और ही कुछ कर रहा था डूबने वाला, मगर याराने साहिल ने सलामे आखिरी समझा। और कभी 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 ऐसा सोचने में नुकसान हो जाता है ना। वो बेचारा इशारा कर रहा था कि मुझे बताओ, तो साहिल पे खड़े हुए लोग समझ रहे थे कि वो आखिरी सलाम कर रहा है। आसिफ साहब को समझ रहे हैं तो करीब आओ, बम पढ़ो सवाल पर मैं। फिर से तूफान आने वाला है, प्यार से आओ प्यार देता है, अपना सब कुछ ये मार देता है। नहीं तो ये मेरा मुशायरा आती है, मैं समझती घर का माल घर में, ये मेरी मोहब्बत आसिफ भाई की। प्यार से आओ प्यार देता है, अपना सब कुछ ये मार देता है, अपना सब कुछ ये मार देता है। चर्चा रहता है खुद ही बातों पर, चर्चा रहता है खुद ही बातों पर, सच फूलो बहार देता है, चर्चा रहता है खुद ही बातों पर, चर्चा रहता सब फूलों बहार देता है, सब फूलों बहार देता है। फिर से तूफान आने वाला है।
गिफ्ट किया। अब जो बंद पढ़ने जा रहा हूँ, मुझे आसिफ साहब से इस बंद के कोट भी चाहिए और नोट भी चाहिए। बहुत बड़ा बहुत पढ़े जाओ साहब, मैं तूफान आने वाला है, जब ये लहजे को थार देता है, जब ये लहजे को थार देता है, सपना नशा उतार देता है, जब ये लहजे को थार देता है, सपना नशा उतार देता है, छेड़ना मत ये छेड़ना मत ये मार देता है, मार देता है, पीछे तूफान आने वाला है। एक और बड़ा बंद मिलकर तो सुन लीजिए, एक बड़ा बंद सुना था मैं, अपिता पत है अपिता पत, तूफान आने वाला है, अपिता पत पीछे तूफान आने वाला है, अपिताकत है इसके खून में है, अपिताकत ये इसके खून में है, अपहिम्मत है खून में इसके, अपिताकत है खून में। हमारे हमारे बड़े साहब गुरु कुमार साहब, हमारा शायर दोनों किरदार, इनका काम और इनका किरदार सहित रखें, अपन दोनों समाप्त हो रहे हैं। अपिताकत है खून में इसके, अपहिम्मत है खून में इसके, जिस नचलो को फायदा पहुँचे, जिस नचलो को फायदा पहुँचे, वो सियाकत है खून में इसके, वो सियाकत है खून में इसके, जिस नचलो को फायदा पहुँचे, जिस नचलो को फायदा पहुँचे, वो सियाकत है खून में इसके, वो सियाकत है खून में इसके। उसके बाद ज्यादा उसके बाद मशवरा, पीछे तूफान आने वाला है, हर घड़ी फिल्मों से टकराएगा, पीटहर किस नहीं दिखाएगा, हर घड़ी फिल्म से टकराएगा, पीटहर किस नहीं दिखाएगा, शेख आसिफ शहर बचा देगा, शेख आसिफ शहर बचाने को, चांद पे अपनी खेल जाएगा, चांद पे अपनी खेल जाएगा, फिर से तूफान